हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का कमेंट फरोज भाई ने पूछा कि भाई, बेंडी प्लस से डिवर्मिंग करने के बाद एक भी कीड़ा बाहर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है भाई, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। भाइयों देखिए, भाई ने जैसे कि पूछा कि बेंडी प्लस से डिवर्मिंग करने के बाद कीड़ा बाहर क्यों नहीं निकले, इसके बारे में बताएं। तो भाई, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर भाई आप टाइम टू टाइम अपने कबूतर की केयर कर रहे हो, अच्छा दाना खिला रहे हो और टाइम टू टाइम डिवर्मिंग कर रहे हो, तो भाई पेट की सफाई हो जाती है, ठीक है, तो कीड़ा बनने का चांस नहीं होता है। लेकिन इसीलिए हर 3 महीने में लोग डिवर्मिंग करते हैं, ताकि कबूतर के, ये समझ लो, पेट के जो गंदगी है वो साफ हो जाए, ठीक है। अब अगर आपको कीड़े वाली बात है, तो भाई अपने कबूतर के ऊपर वाले से दुआ करो कि कीड़े बनाओ, तब उसके कीड़े बाहर आएंगे। क्योंकि पता है, कुछ भैया इस तरीके से सोचते हैं कि भाई, मान लो मैंने डिवर्मिंग करी है तो कीड़ा क्यों नहीं निकला। भाई हो सके उसके पेट में हो ही ना कीड़ा, तो कीड़ा बाहर आएगा कहाँ से? जब पेट के अंदर कीड़ा होगा तभी तो बाहर आएगा। लेकिन क्या है, हम अपने टाइम से उसे कोर्स कराते हैं। क्यों? जब टाइम पे कोर्स होता रहेगा तो कीड़ा बनेगा ही नहीं, ठीक। लेकिन उसमें फ़ायदा यही होता है भाई, जब भी आप डिवर्मिंग करते हो, अगर आप टाइम टू टाइम कर रहे हो और कीड़ा बाहर नहीं आ रहा है, तो भाई आपके कबूतर को अच्छा ही है, इसमें तो कीड़े ना बनने, बाहर ना आए, अच्छी बात है। क्योंकि ये मान लो जब उसमें कीड़ा बन ही नहीं रहा, तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन हर 3 महीने पे जो डिवर्मिंग करते हैं कोर्स होता है, वो इसीलिए होता है भाई, पेट की सफाई होती रहे, ताकि इसके पेट में कीड़े बने ही ना, ठीक है। अब कीड़े किस कबूतर के निकलते हैं भाई? कीड़े निकलते हैं ऐसे, जैसे मान लो किसी भाई ने 2-2.5 साल से डिवर्मिंग करी नहीं, या 1.5 साल हो गया, और सारे कबूतर ऐसे बैठे हैं कोने से में, चुग बराबर रहे हैं, लेकिन शरीर में जान सी नहीं बननी है, एक एक्टिविटी नहीं दिख रही शरीर के अंदर। जैसे मान लो कबूतर के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह की, ऐसी दिख नहीं रही, ठीक। उसके साथ साथ खा बराबर रहे, शरीर में जान नहीं बनाते, कोने पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं चुगने के बाद आराम से, आपने देखा होगा ऐसे गर्दन गड़ गड़ के, ठीक है भाई। तो उन कबूतर की डिवर्मिंग होती है, उनके कीड़े निकलते हैं। या कोई मान लो भाई पहली बार डिवर्मिंग कर रहा हो, जब निकलते हैं। लेकिन भाई ये बात जरूर है, जब आप डिवर्मिंग करोगे तो तुम अपने कबूतर की बीट चेक करना बड़ी बारीकी से। अगर कीड़ा भी नहीं आएगा ना बाहर, तो भाई बीट को जब तुम देखोगे तो बीट कुछ अलग तरीके की होगी, वो पेट की गंध आएगी जरूर उसके अंदर, आप कभी ध्यान से देखना, ठीक। लेकिन ये देखी कैसे जाती है, कब देखी जाती है भाई? लॉफ्ट को पूरे को साफ रखना होता है, एक भी बीट नहीं होती पुरानी उसके अंदर, ठीक है। और कबूतरों को उसमें खुला ऐसी छोड़ते हैं जाल के अंदर, तब पता लगती है इसमें, हाँ क्या गंदगी आई है क्या नहीं आई है, ठीक है भाई। तो ये चीज है। अब करने के लिए देखो, बहुत से भाई एल्बो मार से डिवर्मिंग कर देते हैं, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, एल्बो मार के मुकाबले बेंडी प्लस 101% बेस्ट है। एल्बो मार से आप करके देख लो, परेशान हो जाओगे, लेकिन जो बेंडी प्लस है उसका रिजल्ट एक नंबर है भाई, ठीक, बढ़िया चीज है, मैं इसी से करता हूँ। और भाई अगर कीड़े वाली बात जैसे कि कर रहे हो आप, किसी कीड़े नहीं निकल रहे, तो भाई इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात ना कि कीड़े ना निकले, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कीड़ा निकले या ना निकले, 3 महीने में डिवर्मिंग करनी जरूरी होती है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है। अब इसी के बाद देखो, ये बात तो हो गई भाई की कीड़े वाली, अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। भाई का नाम मैं भूल गया, शायद भाई ने कमेंट किया था कि भाई डिवर्मिंग करने के बाद कबूतर सुस्त क्यों होने लगते हैं, उसकी केयर कैसे करें, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो भाई कबूतर जो है डिवर्मिंग करने के बाद सुस्त नहीं होता है। अगर डिवर्मिंग आपने किया, कबूतरों की डिवर्मिंग अक्सर लोग तब करते हैं जब उनके कबूतर सुस्त होने लगते हैं, ठीक। अब जब डिवर्मिंग करते हैं तो सीधी डिवर्मिंग कर देते हैं, लेकिन डिवर्मिंग करने से पहले मल्टीविटामिन वगैरह का कोर्स कराना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 2 दिन पहले करा दो, या मत भी कराओ, डिवर्मिंग आपने कर दी उसके बाद उन्हें लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन देना चाहिए कबूतरों को मेरे हिसाब से, ठीक है। और जो सुस्त बैठते हैं ना, वो जैसे डिवर्मिंग हो गई, इनकी पेट की सफाई हो गई, अब तुमने उन्हें लीवर टॉनिक भी दे दिया ताकि इनका लीवर अच्छे से चल जाए,
खाना पीना अच्छे से करेंगे, और उसके साथ साथ में मल्टी विटामिन भी आपने दे दिया, तो भाई इसमें क्या कबूतर आपका एक्टिविटी बना कर रखेगा, खाता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही 2-3 दिन गुजरेंगे डीवर्मिंग करने के बाद, तो आपके कबूतर ऑटोमेटिकली एक्टिव होते चले जाएंगे। ठीक है, डीवर्मिंग तो समझ लो जब कबूतर स्वस्थ होने लगे, और डीवर्मिंग अगर आपने कर दी तो भाई एक्टिविटी बनती चली जाएगी, बशर्ते अगर उसके अंदर कोई बीमारी वैसे ही ना हो, जैसे मान लो जुकाम होगा, खांसी, ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। पेट के रिलेटेड जो बीमारी होती है, जैसे कीड़ों का पेट की सफाई है, वो हो गई। अब अगर मान लो पेट में अंदरूनी कोई बीमारी चल जाए, तो भाई जैसे हरी बीट हो गई या वाइट बीट हो गई, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि डीवर्मिंग कर दी तो मेरे कबूतर ऐसे, उसमें चेक करो अपने कबूतर को कि कहीं से कुछ और परेशानी तो ना, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीड़ों की वजह से सुस्त बैठता है कबूतर। बहुत बीमारियां होती हैं भाई, जब अपने कबूतर को चेक करोगे आप तब आपको पता लगेगी। ठीक है, और उनकी केयर जो करनी है, उनकी केयर यही है जो मैंने बताई है कि भाई आप उनकी उसकी केयर के लिए मल्टीविटामिन वगैरह और लीवर टॉनिक वगैरह चला दो। और ना तो इससे अलग फिर एक चीज़ हो रही है, देखो भाई मैं आपको बताऊँ, ऑल इन वन जो है उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं ऑल इन वन से। ठीक है, ऑल इन वन का तो इतना अच्छा रिजल्ट है, अगर आप अपने लॉफ्ट में ऑल इन वन रख लोगे तो सब दवाइयों को भूल जाओगे। बस देखो ये तो चाहिएंगे भाई मल्टीविटामिन हो गए, कैल्शियम हो गए, और तुम्हारा खतर अगर जैसे डीवर्मिंग के लिए हो गया, ये तो आइटम चाहिएंगे ज़रूर आपको। लेकिन वैसे अलग कोई बीमारी का वायरस वगैरह या कोई भी है, उसके लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, सबसे बेस्ट चीज़ है। और जिन्हें कितने भाइयों के पास मैं बेच चुका हूँ, आज तक किसी भाई के पास से शिकायत नहीं है भाई, फर्क नहीं। 3 दिन में भाई का फोन ऑटोमेटिकली आ जाता है जिसके पास जाती है कि भाई दवाई बहुत अच्छी है आपकी, जो बात है। उसके साथ में एक अपना हम जेल लगाते हैं, वो जेल भी उसके साथ जरूरी है। अगर वो जेल लग जाएगा तो आपको मल्टीविटामिन वगैरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है उसके साथ में, अगर हम लगाते हैं जेल। ठीक है, अगर किसी भाई को वो चाहिए तो भाई ऑर्डर कर सकता है, मिल जाएंगे वो हमारे पास से। ठीक है भाई, देखो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन क्या है आप सहज सहज छोटे छोटे आइटम ला ला के उससे ज़्यादा खर्च कर देते हो, और फिर भी कबूतर क्या होता है डैमेज हो जाता है, और ज़्यादा दवाई खा खा के डैमेज ही होता है, क्योंकि इंसान भी अगर ज़्यादा दवाई लेगा, ज़्यादा डोज लेगा, तो भाई वो भी डैमेज होता है। तो जितनी दवाई कम से कम कबूतर के लिए हो उतना बेस्ट है, देसी इलाज ज़्यादा किया करो, या फिर कोई परफेक्ट दवाई हो उसका इलाज करो बस, बाकी इधर उधर के इलाज गोली दवाई वोली मत करा करो। क्योंकि आजकल बहुत से भाई क्या करते हैं, इसने बता दी दवाई, आज वो दे दी, कल दूसरे भैया ने दूसरी बता दी, कल वो दे दी, परसों तीसरी बता दी, वो दे दी, यानी कि अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं हर दिन, आज ट्रीटमेंट दूसरा था, कल दूसरा था। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, चाहे आपकी कितनी भी एक के बाद एक कबूतर अगर लकवे में भी आ रहा हो ना आपका, भाई लकवा भी चल रहा हो, देखो लकवा सबसे ज़्यादा तकड़ी बीमारी जो मानी जाती है कबूतर के अंदर, लकवे की मानी जाती है। जब लकवे में आने लगते हैं तो खिलाड़ी भी ये समझ लो हिम्मत हारता है, और बहुत से भाई तो मैंने ऐसे देखे लकवे वाले कबूतर भाई उठा के दड़बे से बाहर ही फेंकिया मैं। ठीक, लेकिन मैं उसके लिए भी ये बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ है भाई, आपका कबूतर अगर एक के बाद एक लकवे में मारा, अगर आपने उसे यूज कर लिया, तो लकवा जितनों को आ चुका है वहीं रुक जाएगा, किसी नए कबूतर को लकवा नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि जिन्हें आ चुका है उनका भी बढ़ेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा, वहाँ से आप फिर उनका लकवे का ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक नंबर की चीज़ है अगर दोनों को एक साथ करके करें। लेकिन ये चीज़ भाई क्या है, जिस भाई को चाहिए वो ऑर्डर कर सकता है, मिल जाएगी हमारे पास। ठीक है भाई, ऑर्डर के लिए आप कमेंट कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है भाइयों, तो आज की छोटी सी जानकारी थी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।